मजा तो गाइस इसको बहुत आ रहा है चलाने में, स्टेबिलिटी अपने को बहुत गजब की अपनी मिल जाती है। अभी अपनी गाड़ी 100 पर चल रही है। अब सीएनजी में तो गाइस अपन ने पिकअप देख ही लिया, बाकी अब पेट्रोल में देख लेते हैं। ये देखो लगातार अपने स्पीड ब्रेकर आए, साथ ही हम इसका ब्रेक भी टेस्ट कर लेंगे। जैसे अभी तो पीछे से कोई नहीं आ रहा है और 100 की स्पीड पर अपन ब्रेक टेस्ट करते हैं। अभी देखो अपने 10 लाख के अंदर सेडान लेने का प्लान करता है तो सबसे पहले दिमाग तो अपने स्विफ्ट डिजायर का ही आता है। हाय गाइस, मैं हूं जय चौधरी। फाइनली भाई आज अपन ड्राइव करने वाले ऑल योर स्विफ्ट डिजायर सीएनजी में। गाइस VX7 आपके लिए लेकर आए, बढ़िया भाई अपने को 10 लाख के अंदर सेडान मिल जाती है। आज अपन प्रॉपर ड्राइव एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले कि अपनी गाड़ी ऑल चलने में कैसी क्या है, क्या माइलेज देती है, कंफर्ट, सस्पेंशन, ब्रेक, सब कुछ अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप एंड तक जोर से देखना, ऐसी ड्राइव स्पीड अपन लेकर आते रहते हैं। फटाफट से गाइस अपन ड्राइव पर चलते हैं। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो। गाइस लुक्स आप चेकआउट कर सकते हो, बड़े एकदम सिंपल सोबर डिजाइन के साथ ही आती है। काफी टाइम से अपना यही लुक चला आ रहा है, बाकी फाइनली इसमें अपना फेसिलिटी भी आने वाला है। तो गाइस कार का इंटीरियर आप चेकआउट कर सकते हो, ऐसा कुछ आपको VX7 में अपना इंटीरियर मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको ये चीज अलग दिख रही होगी, इसमें आपको सिंपल सोबर से आता है तो इतना कुछ खास अपने को मिलता नहीं है, तो बाद में अपना लगवा ही लेना। ये भाई ने अपना 7000 का लगवाया है माई TVS का, बाकी आप अपनी चॉइस के साथ देख लेना, अपने विनायक भाई की कार है। अब गाइस अपन कार स्टार्ट करते हैं, आप इंजन का साउंड सुनना। ये देखो स्टार्ट जाती है बिल्कुल पता ही नहीं लगता है, और जैसे अभी ये पेट्रोल पे, बाकी कुछ सेकंड बाद अपनी CNG पे अपनी कन्वर्ट हो जाती है। ये देखो मतलब ना के बराबर ही अपने को इंजन नॉइस अंदर सुनने को मिलता है। और गाइस अभी अपन उज्जैन में ड्राइव कर रहे हैं, मैं उज्जैन से बिलोंग करता हूँ। जय श्री महाकाल भाई हो, बाकी आप कहाँ से देख रहे हो ये बात कमेंट करके आप जैसे बताना। अब सबसे पहले गाइस इसकी प्राइस से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि VX7 CNG हमारे सिटी में तो कम्प्लीट ऑन रोड 9,60,000 रुपये की पड़ी है, और अगर आप पेट्रोल वाली लोगे तो वो 1 लाख कम में देती है अपने को, तो वो तो आपके ऊपर है। अगर आप ज़्यादा रनिंग है तो बढ़िया अपन CNG वाली लो, नहीं तो अपनी पेट्रोल वाली तो बढ़िया है ही सही। अब थोड़ा अपन और खाली रोड पर चलते हैं और अपन इसका पिकअप टेस्ट करेंगे। चलो गाइस फर्स्ट गियर से अपन स्टार्ट करते हैं। CNG में ही अभी अपनी गाड़ी है। CNG में देखो आपको वैसे ठीक ठाक ही पिकअप मिलेगा, बाकी पेट्रोल में आप चलाओगे तो उसमें आपको थोड़ी और बढ़िया अपनी पावर मिल जाएगी। फिर भी देखो CNG के हिसाब से तो गाड़ी बढ़िया ही अपनी पावर डिलीवर कर रही है। इंजन स्पेस की भी गाइस अपन बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 1.2 लीटर का डुअल जेट 4 सिलेंडर मिल जाता है, जो प्रोड्यूस करता है 76 BHP पावर और 98.5 Nm का टॉर्क। अब देखो ये बात तो है कि गाड़ी ना बहुत ही स्मूथ चलती है, बहुत ही मज़ा आता है इसको चलाने में, एकदम रिफाइनमेंट तो आपको अपनी बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि यार गाड़ी आपको अंडर पावर लगेगी, CNG में आप चलाओगे तो बढ़िया आपको मजा आएगा चलाने में। अब CNG में तो गाइस अपन ने पिकअप देख ही लिया, बाकी आप पेट्रोल में देख लेते हैं। पेट्रोल में तो यार देखो अच्छा रहेगा ही सही। पेट्रोल में तो गाइस अपना बढ़िया पिकअप है, और ये बात तो इसकी अपनी गियर शिफ्टिंग भी काफी स्मूथ है, 5 गियर अपने को इसमें मिल जाते हैं, तो गाड़ी तो देखो आपकी अपनी बहुत ही अपनी स्मूथ चलने वाली है। चलो अपन ने पेट्रोल में तो देख लिया इसका पिकअप, बाकी अपन वापस CNG में अपने शिफ्ट कर लेते हैं। अब देखो CNG में आपको ये माइलेज काफ़ी अच्छा देने वाली है, 31 का कंपनी अपनी क्लेम करती है, तो आप ये मान के चलो कि 28, 29, 30 का तो आप दे ही देगी, क्योंकि मेरे पास भी अपनी CNG है, मेरे पास भी अपनी वेगनार है CNG वाली, तो वो भी मुझे 28, 29, 30 का तो दे देती है। तो माइलेज के मामले देखो CNG में तो आपके लिए काफ़ी बड़े रहेगी, बढ़िया अपने को 10 लाख के अंदर अपनी CNG कार भी मिल जाती है, और साथ ही में आपको अपनी माइलेज भी काफ़ी अच्छी देगी। अब मारुति गाड़ी देखो ज़्यादातर लोग इसलिए लेते हैं कि यार अच्छा अपने को माइलेज देते हैं, अच्छा रिफाइंड इंजन अपने को मिल जाए, और सबसे मेन बात बढ़िया लो मेंटेनेंस रहे। आप इसमें सेडान में देखो, अगर आप इस प्राइस पॉइंट में देखोगे तो एक तो अपनी होंडा अमेज आ जाती है, वो तो खैर अपने को CNG ऑफर करती ही नहीं है, बाकी फिर अपनी ओरा भी आ जाती है उसमें अपने को CNG मिल जाती है, पर जहाँ बात देखो कम मेंटेनेंस की रहती है, ज़्यादा माइलेज की रहती है, तो वो तो आपको सेफ्टी देगी। स्टीयरिंग में देखो इसकी अपनी बढ़िया अपनी लाइट ही दे रखी है, और अपन इसका बॉडी रोल और ब्रेक वगैरह सब कुछ अपन गाइस के अपने टेस्ट करेंगे। मैं तो गाइस इसको बहुत आ रहा है चलाने में, स्टेबिलिटी अपने को बहुत गजब की अपनी मिल जाती है। अभी अपनी गाड़ी 100 पर चल रही है, फिर भी देखो गाइस मैं अपने लेन चेंज कर रहा हूँ ना, तो कितना बढ़िया अपने को कॉन्फिडेंस इसमें रहता है। तो स्टेबिलिटी देखो आपको हाईवे पर इसमें अपनी काफ़ी गजब की मिलने वाली है, और साथ ही हम इसका ब्रेक भी टेस्ट कर लेंगे। जैसे अभी तो पीछे से कोई नहीं आ रहा है और 100 की स्पीड पर अपन ब्रेक टेस्ट करते हैं। अच्छा रिस्पॉन्स भी यार, वैसे तो मैंने अपने ज़्यादा हार्ड ब्रेक अप्लाई नहीं करे, ये आप देखो ब्रेक कितने बढ़िया है। वैसे तो अपने को आगे इसमें डिस्क मिल जाती है और पीछे अपने को इसमें ड्रम ब्रेक्स ही आ जाते हैं, पर अपन ब्रेक की बाइट देखते हैं। ये देखो
तो ब्रेकिंग से भी आपको ऐसा कुछ ज्यादा अपना कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो अपने 10 लाख के अंदर सेडान लेने का प्लान करता है तो सबसे पहले दिमाग तो अपने स्विफ्ट डिजायर का ही आता है। सबसे मेन बात तो ये कि फैमिली के लिए भी अपनी बढ़िया कंफर्टेबल रहने वाली है, इसमें अपने को कंफर्ट भी अपना अच्छा मिल जाता है, अपने ड्राइवर एज वेल एज अपने को पैसेंजर के लिए तो अपना कंफर्टेबल ही से, और पीछे भी अपने 3 लोग तो अपने बढ़िया अपने बैठ ही जाते हैं, तो 5 लोगों के लिए तो फैमिली के हिसाब से तो अपनी बढ़िया गाड़ी रहने वाली है। और इसका सबसे बढ़िया वेरिएंट मुझे अपना VX ही लगता है, इसमें आपको इससे कुछ ज्यादा कमियां तो नहीं लगेगी, बस आपको ये इंफोटेनमेंट अगर और अच्छा चाहिए तो आप लगवा लेना। और जैसा कि भाई ने अपना स्टीयरिंग कवर भी अपना लगवाया है, और जिन कोई कोई को अपना अलॉय व्हील्स का भी शौक रहता है तो आप अलॉय व्हील्स वगैरह लगवा सकते हो। एक बार आपको मैं लो एंड टॉर्क भी दिखाता हूँ, जैसे अपनी गाड़ी अपनी सेकंड गियर पे और मैं अपना क्लच छोड़ता हूँ, देखो बिल्कुल भी अपनी इसी गाड़ी नॉकिंग नहीं कर रही है, और थर्ड गियर में मैं लगाता हूँ तो देखो थर्ड गियर में थोड़ी थोड़ी करने लग गई, बाकी सेकंड गियर तक तो बढ़िया चलती है, तो लो एंड टॉर्क तो आपको अपना ठीक ठाक ही मिलेगा। थोड़ा अपना स्पीड ब्रेकर आया तो सस्पेंशन तो वैसे देखो बढ़िया ही है। फ्रंट में आपको इसमें अपना 1% स्टार्ट आ जाते हैं, और रियर में आपको टॉर्सन बीम विद कोइल स्प्रिंग सस्पेंशन आ जाते हैं। ड्राइव तो देखो बढ़िया अपनी कंफर्टेबल ही रहने वाली है, ऐसे छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर को तो आपको पता ही नहीं लगेंगे, और ऑफ रोडिंग भी देखो आप इससे कर तो पाओगे क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस भी अपने को इसमें अपना सफिशिएंट मिल जाता है। ये देखो लगातार अपने स्पीड ब्रेकर आए, ऐसे कुछ जल्दी आपने गाड़ी उचकती भी नहीं है, तो सस्पेंशन का सेटअप भी इसमें अपना बढ़िया दे रखा है। बाकी छोटी मोटी चीज़ों की अपन बात करें, जैसे अपना AC वगैरह हो गया तो इसकी कूलिंग तो काफ़ी अच्छी, और फैन स्पीड भी आप देख सकते हो, ये देखो अच्छी खासी आपको इसमें अपनी फैन स्पीड मिल जाती है। बाकी तो अपने को मैनुअल AC कंट्रोल्स से अपने मिलते हैं, टॉयलेट का सॉकेट वगैरह सब आपको मिल जाएगा, और गियर नॉब वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो, हैंड ब्रेक वगैरह मिल जाता है, सीट हाइट एडजस्टमेंट भी आपको अपना मैनुअली मिल जाता है। तो वैसे तो मैंने अपनी ऊपर कर रखी है, तो अगर आपकी हाइट छोटी है तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगा, और अगर आपकी हाइट अच्छी खासी 6 फीट भी है तो आपको ऐसा सिर ऊपर से अड़ेगा तो है नहीं। केबिन भी देखो इसका अपना बढ़िया स्पेशियस ही लगता है, ऐसा खुला खुला सी लगता है, आपको दबा दबा तो इसमें अपना फील होगा नहीं, आगे तो कंफर्ट बढ़िया है ही सही, और पीछे भी आपको अपना बढ़िया मिल ही जाएगा। इस गाड़ी में अपन ज़्यादा कमी तो निकाल नहीं सकते सिर्फ बिल्ड क्वालिटी को छोड़ के, क्योंकि वैसे तो अपने 2 स्टार ही है, और एयरबैग्स भी आपको इसमें अपने 2 ही आते हैं, और पिनल्स की आप क्वालिटी भी देखोगे तो इतनी कुछ अपनी खास नहीं है। मारुति गाड़ी को देखो सिर्फ अपन बिल्ड क्वालिटी में अपन ट्रोल कर सकते हैं, बाकी जहाँ बात मेंटेनेंस की जाती है, माइलेज की जाती है, कम्फर्ट की बात जाती है, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी की जाती है, तो उसमें तो मारुति गाड़ी को कोई भी अपना कॉम्पीट कर नहीं पाता ज़्यादातर। बूट स्पेस भी गाइस आपको चेकआउट करा देते हैं, तो ये आप देख सकते हो अपना CNG टैंक। अब ये जो यार थोड़ी बहुत स्पेस तो अपनी खाई जाता है, बाकी आप पेट्रोल वाली लोगे तो उसमें तो आपको अच्छी खासी अपनी बूट स्पेस मिल जाती है, फिर भी आपको सब कुछ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 2-3 बैग तो अपने रखा ही जाएंगे अपने छोटे, और एक बड़ा बैग और 2 छोटे तो अपने रखा ही जाएंगे। सो गाइस अब अपन कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। देखो 10 लाख के अंदर तो ये अपनी बढ़िया गाड़ी है, अच्छा लंबे समय तक आपका साथ देने वाली है, और सबसे मेन बात तो यही हो जाती है अगर आप 3-4 साल चलाओगे उसके बाद में गाड़ी को अगर सेल भी करोगे तो आपको रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, तो ये भी इस गाड़ी की अपनी खासियत हो जाती है। और जहाँ बात देखो स्विफ्ट का नाम आ जाता है तो ये तो अपना अच्छा खासा है ही सही, इसकी ब्रांड वैल्यू तो अपनी अच्छी खासी है ही सही। अब देखो मारुति गाड़ियों का तो यही सीन रहता है, बढ़िया सालों साल चलाओ, खूब घिसो, लाखों किलोमीटर चलाओ, कोई चीज़ आप बड़ी दिक्कत आती नहीं है, तो ऑल अपने लिए काफ़ी एक बढ़िया पैकेज हो जाता है। बाकी आपको ये गाड़ी किसी लगती है कॉमेंट करके आप दूसरे बताना। वीडियो का अपन यहाँ पर एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक जरूर कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, सब्सक्राइब नहीं कर तो मज़ा से नहीं आएगा, इसलिए फटाफट चैनल गाइस सब्सक्राइब कर लो। मिलते गाइस इंटरेस्टिंग वीडियो में, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।